गाइज वेलकम माई वीडियो। तो आज मैं सेकरी कार्ड एक पे देख सकते हैं आप। तो मैंने दो दिन पहले वीडियो डाली थी इटियोस लीवा की, जिसमें स्टीरियो इंस्टॉल किया था जोटो कंपनी का। तो आज उसी को मतलब वीडियो देख के एक सर ये गाड़ी लेके आए हैं, हेक्सा लेके आए हैं हमारे पास, जिसमें जोटो का स्टीरियो इंस्टॉल हो रहा है। तो जॉनी भी इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं स्टीरियो, आपको दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन होते हुए। तो जॉनी भी ये गाड़ी भी उसी इटियोस लीवा की देख के आए हैं सर वीडियो। तो अभी इसमें इंस्टॉल कौन सा स्टीरियो कर रहे हो आप? इसमें हम जोटो का ही लगा रहे हैं। जोटो का लगा रहे हैं, वही 216 भैया 216। तो आप देख सकते हैं इसमें इंस्टॉलेशन चल रही है, इसमें फ्रेम लगा दिया। तो उसमें आपने फ्रेम पहले लगाया था, बाद में लगाया? इसमें आप पहले फ्रेम लगा चुके हैं। इसमें फ्रेम पहले लगा लिया। ओके, बात कोई नहीं, एक ही बात है। तो अब इसमें हम जैसे देख सकते हैं स्टीयरिंग में भी कंट्रोल है, स्टीयरिंग कंट्रोल भी वर्क करेंगे इसमें। तो उसके लिए कोई डिवाइस लगता है इसमें? इसमें अलग से कैनवस लगता है। कैनवस लगता है, तो कैनवस क्या चीज़ है एक बार दिखा दीजिए आप। इसमें अभी कैनवस लगता है, इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल को मतलब वर्क करने के लिए वो करता है, प्रोसेस करता है सारा। इसके जो भी इसका ओरिजिनल कैमरा है सब इसी से ऑपरेट होगा। तो जो कंपनी से लग के आया कैमरा वो भी इसमें वर्क करेगा, सब इसमें वर्क करेगा। ठीक है, तो भी जॉनी भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो बाकी ये जो वायरिंग हो रही है वो किस चीज़ की वायरिंग हो रही है? भैया माइक लगा रहे हैं, उसके लिए वायरिंग डाल देते हैं। तो माइक के लिए वायरिंग हो रही है, माइक आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। ये भी एडिशनल माइक इसमें लगाया है, वैसे स्टीरियो में होता ही है माइक, हर स्टीरियो में एंड्रॉइड में माइक दिया होता है, पर ये एक्सटर्नल माइक लगता ही है। साउंड क्वालिटी अच्छी होनी है। तो जॉनी भी अभी इसकी रेडियो की फ्रिक्वेंसी सेट कर रहे हैं, उसके बाद जब ये फिट कर लेते हैं उसके बाद आपको इसकी भी टच क्वालिटी दिखाता हूँ कैसी है। उसमें भी सारा रिवर्स कैमरा कैसे वर्क कर रहा है सारा भी दिखाता हूँ, जो कंपनी है रिवर्स कैमरा लगा हुआ है। तो हेक्सा गाड़ी में आप देख सकते हैं जोटो का स्टीरियो लग रहा है। तो हमने जो एंड्रॉइड फिट किया है वो प्रॉपर इसकी जहाँ पे फ्रेम दिया होता है वहीं पर हमने फिट किया है, जो बाहर से चलने पहले ही आफ्टर मार्केट फ्रेम लगवाया था। तो ये आप देख सकते हैं इस कंसोल बॉक्स में होल करके अलग से एक फ्रेम ऐड करके ऐसे लगा दिए। तो आप देख सकते हैं कितनी लुक बिगड़ गई है इसकी ये लगने से। हटाने से यहाँ नॉर्मल स्टीरियो लगा था, अब जो हमने लगाया एंड्रॉइड लगाया, सर ने ये चीज़ कंप्लेंट थी सर को कि ये मेरे को बहुत गंदा लगता है। जो ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है उसको कोई व्यू नहीं आता, पीछे से कोई व्यू नहीं देख पाता पीछे से। अभी बिल्कुल सेंटर में एकदम आ चुके हैं। तो आप देखिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एकदम ओरिजिनल फ्रेम है, कहीं से गैप नहीं आ रहा है, कहीं से बिल्कुल भी गैप नहीं है, प्रॉपर ओरिजिनल स्टाइल में फिट हो चुका है एकदम ये। अभी बाकी मैं अंदर बैठ के एक बार वीडियो बनाता हूँ कि कैसे इसकी लुक है, क्या इसका वो है, सारी फीचर्स सब मैं आपको बता दूँगा। पहले इंस्टॉल था स्टीरियो जो सेंटर में था वो ये वाला हो रखा था, तो हमने इसको हटा के एंड्रॉइड लगाया जोटो का। जो एडिशन सर ने बाहर से ऐड कराया था उसका मैं आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ कैसा था, वो देख सकते हैं आप। इस टाइप का स्टीरियो था, JVC कंपनी का कोई स्टीरियो है ये, एंड्रॉइड नहीं है, नॉर्मल स्टीरियो है। इसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता वैसे तो, नॉर्मल जो चलाना चाहे नॉर्मल स्टूडियो को ऐसे चलाना चाहे तो वो यूज़ कर सकता है इसको। अगर फुली एंड्रॉइड चाहिए, यूट्यूब चलाना है, कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ करनी है एंड्रॉइड वाली, तो आप एंड्रॉइड में ही यूज़ कर सकते हैं वो, नॉर्मल स्टूडियो में। नॉर्मल इस स्टूडियो में सिर्फ एक सॉन्ग प्ले हो सकता है, ये सब है इसमें, और कुछ नहीं है। सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, स्टूडियो फिक्स हो चुका है इसमें। अब कैनवस जो होता है, कैनवस मेन पर्पज जो है इसका रिवर्स कैमरा जो ओरिजिनल कंपनी से होता है वो चलाने के लिए होता है। और जैसे कि आप साइड में आप देख सकते हैं डोर्स का दिखाई दे रहा है इसमें, जैसे कोई डोर्स खुलेंगे तो डिक्की खुलेगी, कुछ भी खुलेगा तो इसमें शो करेगा स्टूडियो में। ये कैनवस मेन इसी चीज़ के लिए होता है। बाकी अभी रिवर्स कैमरा चला रहे लगा रहे हैं, हो गया सारा कुछ, सेटिंग कर रहे हैं रिवर्स कैमरा की, उसके बाद रिवर्स कैमरा का व्यू दिखाता हूँ। तो सर अब आप जैसे आपने ये नॉर्मल स्टूडियोज में लगा हुआ था, एडिशनल लगवाया था, अब ये लगने के बाद कैसा मतलब आपको लग रहा है? ऐसे बहुत बढ़िया फील हो रही है। अच्छा, तो आप जैसे कबाड़ा लगी रहता है तो निकाल लेते हो, इसमें तो आप नॉर्मल कोई टेपिंग करा सकते हो, टेपिंग से वही सीखो ये। नहीं, वो बॉक्स चेंज करना पड़ेगा सर, है ना, एयर कूल्ड था ना ये? हाँ जी हाँ जी, नहीं लगेगा सर। आफ्टर मार्केट चीज लगवाई थी जो, इसके बाद जब पहले कैनवस नहीं आता था, कैनवस नहीं था उसमें स्टीरियो लग नहीं सकता था, तो सर ने यहाँ पे लगवाया था। जब अच्छा, GPS अपना वाईफाई चलेगा ना। तो सर जैसे कि आप मेरे को बता रहे थे कि आप आर्टिका लेने की सोच रहे थे, तो आपने अपनी आर्टिका भेज दी मेरे पास? अच्छा, आर्टिका थी आप लोगों का यूट्यूब देख के मैंने आर्टिका भेज दी। अच्छा, मॉडिफाई मतलब हमारी वीडियो लूंगा, मॉडिफाई कराऊंगा। अच्छा अच्छा, उस पर एक साल की वेटिंग आ रही है, मजबूरी फिर दोबारा ये लेनी पड़ी। अच्छा, बस देख सकते हैं आपने सर ने आर्टिका की मॉडिफाइंग वीडियो देखी थी हमारी, थी हमारी वीडियो देखी उसमें सर को अच्छी लगी वीडियो। तो सर ने नई अपनी पुरानी आर्टिका बेच के नई आर्टिका लेने की सोची, तो उसमें वेटिंग जा रही थी, तो सर ने बुक करा रखी है, अभी कुछ टाइम बाद वो भी आ जाएगी, तो सर हमारे पास लेके आएंगे। तो सर कब तक आपको मतलब लगता है कब तक आ जाएगी आपकी गाड़ी नई वाली? एक साल लगेगा, एक साल की वेटिंग है पूरी पूरी। तो एक साल के बाद सर हमारे वो गाड़ी लेके आएंगे, उसमें पूरी मॉडिफाई कराएंगे उसको भी। तो बाकी जैसे कि ये हेक्सा का इंटीरियर आप देख सकते हैं, इसमें सनरूफ है, टॉप मॉडल गाड़ी है, लुक देख रहे हैं इंटीरियर की बहुत अच्छी है, पूरा इसमें फैब्रिक लगा हुआ है छत पे भी। तो सर इसमें जो ये लगा हुआ है रूफ पे, ये आपने बाहर से कराया या? बाहर से सारा बाहर से कराया हुआ है, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लुक। सनरूफ भी आफ्टर मार्केट है, सारा कुछ आफ्टर मार्केट है, सनरूफ भी आफ्टर मार्केट है इसमें। मुंडई क्या है, सनरूफ भी इसमें आफ्टर मार्केट है सर। एक बार सनरूफ आप ओपन कर दिए, TS7 देख सकते हैं सनरूफ के भी इसके अंदर, देखो ना इसमें कैमरा उल्टा आ रहा है, वो सीधे कैसे होगा? इसने सनरूफ भी आफ्टर मार्केट लगाई हुई है,
कंपनी की नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई कंप्लेंट नहीं है, लुक अच्छी आ रही है। एक्सा गाड़ी की लुक तो फिर है, एक तो गाड़ी इतनी बड़ी तो सनरूफ तो उसमें होनी चाहिए। नहीं नहीं उल्टा ऊपर से जा रहा है, इसमें रिवर्स कैमरे की सेटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आप रिवर्स कैमरा जो कंपनी से जेन्युइन आया वो भी वर्क कर रहा है इसमें, कैनवस लगने के बाद उसकी भी क्लियरिटी प्रॉपर आ रही है, कोई नहीं है। सेंसर भी रीड कर रहा है इसमें, सेंसर भी लगे हुए हैं, सेंसर भी काम कर रहे हैं प्रॉपर। तो बाकी आप देखते हैं जॉनी बी से सारी इसकी प्राइसिंग के पूछते हैं, क्या प्राइसिंग है इसकी, जिसमें पूरा कुछ कैनवस लगा, सारी प्राइसिंग की बात कर रहे हैं। लगा जोटो का तो इसकी क्या प्राइसिंग है इसमें? इसकी प्राइस है 8500 जो जैसे कि हमने पहले उसमें अपना इसमें लगाया था, इडियोस लीवा में लगाया था, तो उसकी 5000 आपने प्राइसिंग बताई थी। इसमें ना कैनवस एक्स्ट्रा लगता है, इसके सारे इसके जो भी इसके ओरिजिनल फंक्शन सारे काम करते हैं, रिवर्स कैमरा, रिवर्स सेंसर, लाइमेट सब इसमें काम करता है, तो उसके लिए कैनवस लग लगता है, वो उसकी कॉस्ट है बस। अच्छा, तो कैनवस में जैसे कि स्टीयरिंग कंट्रोल भी आ गए, अपना एसी कंट्रोल भी आ गए, डोर्स के भी आ गए, रिवर्स कैमरे का भी आ गया, रिवर्स सेंसर भी आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्टीयरिंग में कंट्रोल कर रहा हूँ तो उसमें भी वॉल्यूम का काम कर रहा है सारा कुछ। तो इसमें और आपने क्या क्या जिसमें एडिशन लगाया आपने, जैसे स्टीरियो तो एक हो ही गया, दो कंपोनेंट डाले हैं, कंपोनेंट में वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि जॉनी बी की कॉल तो मेरे पास भी आ गई थी, मैं आते आते लेट हो गया, ट्रैफिक था रास्ते में। तो कंपोनेंट एक बार आप दिखा दीजिए, कौन सी कंपनी के कंपोनेंट से? रेडलैंड के है, रेडलैंड के कंपोनेंट है। उसमें इंस्टॉल कर दिया, ट्विटर सर की डिमांड थी कि नीचे चाहिए उनको, वैसे तो ऊपर आते क्योंकि सर ने मॉडिफिकेशन बाहर से करा रखी है, बाहर से फैब्रिक लगाया हुआ है, तो उसमें चाहते थे सर कि यहाँ पे लगे, तो सर ने नीचे लगवाए हैं, तो सबकी अलग अलग डिमांड है। अब एक बार साउंड के लिए मैं सर से जॉनी बी से बोलता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, चलाएंगे साउंड के ऊपर, देखते हैं कैसे इसकी साउंड क्वालिटी है। इसमें साउंड कुछ ज़्यादा भी नहीं खोली कि नॉर्मल 13 तक वो वॉइस की हमने उसकी सेटिंग बढ़ाई थी, उसमें इतनी अच्छी वॉइस आ रही है। इसमें JBL के भी यहाँ पे लगाए हैं, आप देख सकते हैं JBL के भी स्पीकर यहाँ पे ऐड हुए हैं, उसमें और कहाँ स्पीकर ऐड हुए हैं, चारों कंपोनेंट्स लगे हैं, चारों दरवाजे में कंपोनेंट्स लगे हैं, और एक डिक्की में मैंने देखा था एक स्पीकर लगा हुआ अलग से, मुझे वूफर का काम करता है, जिससे मतलब गाड़ी की में एकदम ही बेस अच्छी आ रही है। तो आप एक बार दोबारा सुनिए साउंड। आपने देखा जैसे कि वीडियो में बेस कितनी अच्छी आ रही है, कोई स्पीकर नहीं फट रहा अभी, तो नॉर्मल सिर्फ मैंने थोड़ी सी वॉइस खोली है तो उसमें इतनी अच्छी बेस आ रही है, अगर ज़्यादा खोलूंगा तो फिर गाड़ी एकदम ही हिलेगी। तो यहाँ पे अभी नॉइज़ इतनी नहीं करनी हमने, तो नॉर्मल मैंने अभी दिखा दिया आपको व्यू, इसमें इतना आ रहा है, इतनी साउंड क्वालिटी आपको सुना दिया। तो जॉनी बी जैसे कि अब ये हमारी वीडियो देख के आए हैं, हमारी जो हमने डियोस में लगाया था अभी सारा, तो अब भैया वो कह रहे हैं आर्टिका भी लेके आएंगे, हमारे चक्कर में उन्होंने अपनी पुरानी आर्टिका बेची है, अब नहीं लेंगे आर्टिका, लिए बुकिंग पे है, तो उसमें भी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो बाकी आप एक बार आप अपनी यहाँ की लोकेशन सारा कुछ एक बार बता दीजिए वीडियो में। सर आप मेट्रो पिलर नंबर 88 लेफ्ट अंदर आएंगे जी, लोहे की मल्टी लेवल कार पार्किंग है, उसके मिडल में शॉप है हमारी शेखरी कार टेक, ठीक है। और मोबाइल नंबर 9717455009। तो जिसने भी अच्छा स्टीरियो लगवाना है कम बजट में तो यहाँ शेखरी कार टेक पे आ सकता है लगवाने के लिए, बिल्कुल लो प्राइस में मिल रहा है स्टीरियो यहाँ पे, इतने कम प्राइस में। मैंने तो अभी तक कोई स्टीरियो नहीं देखा एंड्रॉइड में, नॉर्मल जितने भी एंड्रॉइड होते हैं मैंने सुने हैं स्टार्टिंग हो जाती है 9000 रुपये अच्छे स्टीरियो की, बट अभी ये भैया बता रहे हैं कि उसमें इडियोस में लगाया है 5000 का, अब इसमें लगा 8500 का, तो हर चीज़ की क्वालिटी के हिसाब से होता है। अब इसमें स्टीरियो तो जैसे जॉनी भी आप बता रहे हो, स्टीरियो इसमें कम रेंज के भी आते, कोई इसमें कम रेंज का भी आता है, बट इसमें तो अगर हम इसको 5500 में लगा देते हैं, बट इसमें ना फिर अब जो भी इसके ओरिजिनल फंक्शन है वो कोई भी काम नहीं करता, ना सेंसर, ना कैमरा, ना स्टीयरिंग कंट्रोल, ना डोर ओपन क्लोजर, कुछ भी काम नहीं करता। सस्ती रेंज में तो पता ही आपको दिक्कत आएगी आएगी। अब इसकी वारंटी भी जो बता रहे हैं, कितनी वारंटी की? तो महीने की वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी है, कोई भी अगर दिक्कत तो रिप्लेसमेंट, जैसे कि मान लो अभी मेरा खराब हो, मैं आपके पास आया तो एंड टू एंड रिप्लेसमेंट, एंड टू एंड आपको चेंज करके देंगे, कोई नहीं कि आपको ठीक हो जाएगा, एंड टू एंड चेंज करके। तो यहाँ पे कोई रिपेयर का वो नहीं है, हैंड टू एंड रिप्लेसमेंट है। तो किसी ने भी अगर स्टीरियो लगवाना है, कुछ भी एंड्रॉइड में कुछ भी कराना है, मॉडिफिकेशन करानी गाड़ी में, तो शेखरी कार टेक पे आ सकता है। बाकी पूरे दुकान की एड्रेस लोकेशन सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।